आज हम बात करेंगे कि रीड आपने देखी होगी कि नॉर्मली कई बार जब डॉक्टर टिक्स या फिल्स हो रहे हो तो वेट आपको जरूर सजेस्ट करता है कि आप एक बार ये यूज करें या मेंज में भी आपको ये। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट योगेश कुमार। आई वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज बांसुर पेट क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि जो रिड कैसे यूज करें और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और इसको पूरी प्रोसेसिंग ये किस चीज में काम आता है और आप इसको कैसे यूज करें और कब यूज करें। पहले हम इस चीज के बारे में ये बात करते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या हैं। आपको पता होगा कि ये टिक्स में और फिल्स में काम आता है, बट एक चीज में और भी काम आता है, ये मेंज में भी काम आता है। मेंज यानी कि एक स्किन डिजीज है जिसमें आपको स्पॉट यानी कुछ बाल झड़ना या धीरे धीरे बाल बिल्कुल ऐसे गंजे प्रकार से हो जाते हैं। डॉग या कैट, आपको वीडियो या फोटो दिख रही होगी यहाँ पे, तो आपको ऐसे हो जाते हैं तो उसमें भी काम आती है। और अब हम ये देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम मतलब ये किस किस, ये 6 ml में और 15 ml में और 60 ml में ये इसकी बाइल या सीसी आती है। तो अब हम यूजेस देख लिए और अब हम सावधानी की, भैया आप जैसे लगा रहे हो तो क्या क्या सावधानी रखें या क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। देखिए, एक तो डॉग को नाक कान मुंह पर नहीं लगाना है और डॉग को चाटने नहीं देना है। और दूसरी बात ये है, छोटे बच्चे यानी 4 महीने से या 5 महीने से छोटे बच्चे में नहीं लगाना है। ये इसके भीतर या इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप अपने छोटे बच्चे पर ना लगाएं। और अब हम ये बात करते हैं कि इसकी डोज या कितनी ml पानी में इसकी मिलाकर अपने डॉग या कैट को लगाएं या कैसे लगाएं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे आपको लगा के भी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही डॉग रिलेटेड और बर्ड्स रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और देखिए अब ये कैसे यूज करें या कितने ml पानी में इसको यूज करें। देखिए, टिक्स और फिल्स का तो आपको पता है कि ये है 2 ml पानी में, एक लीटर पानी में 2 ml पानी में मिलाते हैं। मेंज में आपको 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml उसमें डाल करके यूज करना है। यूज अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि जो डॉग को नहलाने के बाद में लगाएं या पहले ये लगाकर फिर नहलाएं। देखिए, हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे करके बिल्कुल लाइव कि हमने ये डॉग को नहलाए हैं और उसके बाद में हम लगा रहे हैं। देखिए, कई बार ये हो जाता है कि छोटे पप्पी या डॉग चाट लेते हैं तो उनके लार या आंख लाल होना या उनके जो लार ऐसे टपकती रहती है, तो नियरस्ट जितनी जल्दी हो सके आप फर्स्ट तो आप अपने डॉग को अच्छे पानी से नहला दें और उसके बाद में आप अपने जो नियरेस्ट वेट हैं उनके पास में आप ले जाएं। अब एक आपका क्वेश्चन यह भी होगा कि इसको मतलब हफ्ते में कितनी बार नहलाएं जिससे कि आपका डॉग टिक्स और फिल्स से बचा रहे या उसके टिक्स और फिल्स ना हो। देखिए, ये आप अपने जो आसपास या कई देखे होंगे कि जहां पर भी आपका डॉग बैठता है वहां पर चीचड़े या फिल्स ऐसे डोलते या गिरे हुए आपको दिख जाते हैं, तो आप वहां पर भी जैसे दीवार पर या फिर बाद में आप नीचे भी फर्श पर इसको स्प्रे बनाकर आप ये डाल सकते हो या कर सकते हो। और अब हम दिखाएंगे आपको कि हम अपने डॉग को शैम्पू से नहला करके फिर हम अपने डॉग के ऊपर ये लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम आपको दिखाएंगे
आप यह वीडियो पूरा देखिए, आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसको निला दिए हैं। अब उसके बाद में 5 मिनट सूखने दें, उसके बाद में आप रेड लगाएं। देखिए हम आपको अभी लगा के भी दिखाएंगे। अभी 2 मिनट बाद में जैसे थोड़ा ये सूख जाए उसके बाद में हम आपको लगा के दिखाएंगे। देखिए हमने ये 1 लीटर की डब्बा ले लिया है। आप 1 लीटर का जो बोतल आती है वो भी ले सकते हो। और मास्क इसलिए पहन लिया है क्योंकि ये दवाई एक तरीके से पॉइजन है, तो आप अपने नाक आँख और मुंह को थोड़ा बचा करके और डॉग का भी मुंह बचा करके उसके ना लग पाए, इसलिए हमने मास्क पहन लिया है। आप भी मास्क का उपयोग करें और जो पॉलीथीन है उसका भी उपयोग करें जिससे कि आपके हाथों में ना लगे। और आप इसकी जगह जो फंवारा आता है, जो हेयर कटिंग करते हैं उस टाइम पे जो फंवारा करते हैं, उस टाइप का फंवारा आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको करके दिखाएंगे। ये हमारे पास में ये है और ये रिड हमने इसकी इसको खोल लिया है। और आप इसके ऊपर का एक ढक्कन आता है जिसमें 1 ml, 2 ml, 5 ml ऐसे होता है, तो आप उससे अपने जो 1 लीटर पानी में जो टिक्स के लिए 2 ml मेंज हो रहा है, आप 3 से 4 ml इसमें डाल दीजिए और अपने डॉग को लगाइए। देख लिए आप इसको, फर्स्ट इसको मिक्स करके फिर अपने वाटर में डालें। ये देखिए ऐसे कर ये ऐसे आपको जो पानी का कलर है वो वाइट वाइट धीरे धीरे वाइट होने लग जाएगा। थोड़ा सेक कर लीजिए, उसके बाद में आप लगाएं।
जो पैट है वो ज़्यादा देर धूप में ना बनी रहे, क्योंकि ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि ज़्यादा देर धूप में रहना डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। और कुछ टाइम आप इसको घुमा लाएं, जिससे कि ये कई बार डॉग चाट ना ले। आपको पता भी रहेगा 10 से 15 मिनट जब तक ये सूख ना जाए उस तक आपको ध्यान रखना है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हम यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। Oh!